नमो नान संपूर्ण राष्ट्र को सिनेमोशा महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। 18 नवंबर 2017 सिनेमोशा महोत्सव है। दर्द आपके पास तो दवा है दीवा देव शनिदेव, और है समस्या आपके पास तो समाधान है दीवा देव। श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र 16 फतेहपुर बीर में आपका स्वागत है। करिए शनि भगवान का दर्शन पूजन तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा मिलेगा। शनिधाम आने के लिए दिल्ली छतरपुर मेट्रो स्टेशन से निःशुल्क बस सुविधा है, और ये व्यवस्था के आर मंगलम वालों की तरफ से, के आर मंगलम एजुकेशन ग्रुप है। आइए श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र 16 फतेहपुर बेरी में, और करिए शनि भगवान के दर्शन कि आपका कल्याण हो। नमो नारायण, नमो नारायण। 28 अक्टूबर 2017 और शनिवार का दिन है, और पुनः आपके सामने हृदय के भावों को लेकर, क्या लोगों ने आपको देवादि देव शनिदेव के नाम से भयभीत किया है? क्या कंटक शनि को लेकर भयभीत किया है, या फिर साढ़े साथी महादशा या ढैया को लेकर आप परेशान हैं? क्या स्वयं आपको अपना हक नहीं मिल रहा है? कारण कुछ भी हो, स्वयं अपनी पैतृक संपत्ति पाने में आपको बाधा आ रही है, और लाख कोशिशों के बावजूद भी आपके पास धन नहीं रुक रहा है? क्या प्रयासों के बावजूद भी दाम्पत्य सुख की प्राप्ति नहीं हो रही, या पत्नी में पति पत्नी में वैचारिक मतभेद बढ़ रहा है, बात तलाक तक पहुंच चुकी, या फिर शरीर पे कहीं ना कहीं मस्से हैं? इन संपूर्ण समस्याओं का समाधान है आज का गुरु मंत्र। लेकिन मित्रों, मेरी ये बात याद रखना कि जीवन की संपूर्ण दर्द और समस्याओं का समाधान है देवादि देव शनिदेव। जरा इन आंख में देखिए, और इन आंखों में देखते हुए ओम शाम शनिश्चराय नमः, ओम शाम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करिए, जीवन खुशियों से भरा रहे। मेरे आराध्य का अद्भुत ये मंत्र है ओम शाम शनिश्चराय नमः, और इस मंत्र का जाप करने से जीवन में एक सहजता आती है, निर्मलता आती है, जीवन की सच्चाई को स्वीकार करने का हृदय करता है। और इसी कड़ी में 18 नवंबर 2017 शनि अमावस्या महोत्सव, संपूर्ण राष्ट्र को शनि अमावस्या महोत्सव की हार्दिक शुभकामना। श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र 16 फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करिए शनि भगवान के दर्शन पूजन तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा मिलेगा। श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र 16 फतेहपुर बेरी में 18 नवंबर प्रातः 4 बजे से लेकर 12 बजे तक दर्शनों की व्यवस्था रहेगी। शनिधाम आने के लिए दिल्ली छतरपुर मेट्रो स्टेशन से निःशुल्क बस सुविधा है, और ये व्यवस्था की है के आर मंगलम इंस्टीट्यूट जो एजुकेशन का ग्रुप है उसने। स्वागत है श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र 16 फतेहपुर बेरी में। मेरे आराध्य का बहुत अद्भुत दिन है, और मैं आप सभी लोगों को सादर आमंत्रित कर रहा हूँ कि पधारिए शनिधाम, करिए दर्शन के आपका कल्याण हो। नमन मेरे कुछ मित्रों ने सवाल किया कि प्रयासों के बावजूद भी दाती महाराज मुझे अपना हक नहीं मिल पा रहा है। दाती महाराज कारण समझ में नहीं आ रहा, लेकिन स्वयं की अपनी पैतृक संपत्ति पाने में परेशानी आ रही है, क्या करें? निजगत कर्मों में सुधार लाते हुए शनिवार के दिन किसी अच्छे चौगड़िए में 4 चितकबरी कौड़ी ले लीजिए, 11 लौंग को अच्छी तरह पीस कर जला ले, और पीसे हुए दोनों को कौड़ी और लौंग को पीस कर जला दीजिए, और पीसे हुए कौड़ी और लौंग की राख को पैतृक संकेत संपत्ति के मुख्य दरवाजे या चारों कोनों में छिड़क दीजिए। ऐसा 43 दिन तक नियमित रूप से करें। इस प्रयोग के करने से आपको अपनी पैतृक संपत्ति अवश्य मिले। एक बात का ध्यान रखें, प्रयोग करते समय राहुकाल भद्रा और यमकाल नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। नमो नारायण। और बात करते हैं शनिवार के पंचांग की। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी विक्रम संवत 2074 शनिवार का प्रातकालीन नक्षत्र श्रवण नक्षत्र चंद्रमा मकर राशि में। बात अब उनकी करते हैं जिनका आज जन्मदिन है, फिर शादी की सालगिरह। 28 अक्टूबर आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह,
दोनों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। 28 अक्टूबर आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, और निजगत कर्मों की वजह से आपको जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हो, भाग्य में उन्नति नहीं हो रही, प्रयासों के बावजूद भी जीवन में सफलता प्राप्त नहीं हो रही, हर रोज और नित्य कर्म से नियोजित स्नान उपरांत भगवान शिव का ध्यान करते हुए शिवलिंग पर गाय का कच्चा दूध अर्पित करें, तत्पश्चात मृत्युंजय मंत्र का जाप करते 108 बेलपत्र अर्पित करिएगा, संपूर्ण कष्ट छुटकारा मिल जाएगा। नमो नारायण। कदम भरते हैं एक और सितारों की ओर, और इसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ ग्रह नक्षत्रों की दुनिया में, क्या कहते हैं आपके ग्रह नक्षत्र, आपके लिए बात करूंगा शनिवार के राशिफल की। और सबसे पहले मेष राशि, मेष राशि वालों, समय शुभ और अनुकूल है, बड़े लोगों से मित्रता बड़ी लाभप्रद साबित होगी और उनके सहयोग से परेशानियों का निवारण होगा, कार्य क्षेत्र में सफलता धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे, सरकारी कार्य बनेंगे, राज्य से मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी, क्या करें, व्यावसायिक स्थल पर थोड़ा सा अपना नियंत्रण बनाकर रखें, क्या ना करें, दूसरों के कार्य में दखल अंदाजी ना करें, न मना रहे। और बात करते हैं वृषभ राशि की, वृषभ राशि वालों, कार्य क्षेत्र में सुधार होगा, जिस तरह के घर योगा योगे भागदौड़ की स्थिति समाप्त होगी, बुद्धि और युक्ति से कार्य किया तो कार्य में सफलता आपके पास होगी, संतान की ओर से थोड़ी सी चिंता नजर आ रही, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्या करें, बड़े लोगों के साथ थोड़ा सा मेल जोल बढ़ाए, उन्हीं के सहयोग से परेशानी से मुक्ति मिलेगी, क्या ना करें, कारोबार का क्षेत्र चाहे शिक्षा का क्षेत्र चाहे परिवार का, आज के दिन लापरवाही नुकसानदायक रहेगी, इसलिए लापरवाही ना करें, नमन। और बात करते हैं मिथुन राशि की, मिथुन राशि वालों, गोचर की बात कर रहा हूं, और गोचर ये कह रहा है कि आज भाग्य आपके पक्ष में करवट नहीं ले रहा है, अत्यधिक आत्मविश्वास से बचना, बड़बोलापन नुकसान दे सकता है, वाणी पर संयम रखना, जल्दबाजी से बचना, क्योंकि सितारों की चाल प्रतिकूल है, विवादित भूमि संबंधी सौदे में हानि संभव है, कार्य व्यवसाय में बाधा उत्पन्न होगी, आर्थिक हानि की प्रबल संभावना है, सावधानी अपेक्षित है, अपने व्यवहारिक नीति और व्यक्तिगत बातों को गुप्त रखा तो अच्छा रहेगा, क्या करें, यदि आप नौकरी करते हैं या किसी के साथ काम करते हैं तो आज वाणी की सजगता बहुत जरूरी है, क्या ना करें, अधिकारी वर्ग से ना उलझे, न मना रहे। मैं इस वृषभ मिथुन की बात करी, कर्क सिंह कन्या की बात करूं, लेकिन उससे पहले शनिवार का राहु काल और यात्रा, शनिवार का राहु काल प्रातः 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक, और राहु काल के दौरान शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया, यह सलाह मेरी है, मर्जी आपकी है। और बात करते हैं यात्रा की, आज के दिन दक्षिण दिशा की यात्रा कारोबार की दृष्टिकोण से शुभ और मंगलमय रहेगी। मैं कहता हूं कि समय और साधन बदल गए, आप चारों दिशाओं में आज यात्रा करिए, लेकिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में भगवान शनिदेव की मूर्ति का स्पर्श करें, शनिदेव का ध्यान करते हुए प्रतिमा पर तेल अर्पित करें और अदरक चबाते हुए यात्रा पर निकल जाइए, यात्रा में कष्ट कम आएगा, न मना रहे। और बात करते हैं कर्क राशि, चौथी राशि, इस राशि का स्वामी चंद्रमा, और जिस तरह के ग्रह योगा योग है, चंद्रमा इस समय मकर राशि से गोचर कर रहा है, आज कर्क राशि वालों का समय बड़ा शुभ और बड़ा ही अनुकूल है, मायूसियां उदासी बिना वजह की परेशानियों से मुक्ति का दिन है आज, क्योंकि ग्रह गोचर आपके पक्ष में करवट ले रहे, महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होंगे, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, साहस और उत्साह बढ़ेगा, आर्थिक लाभ से मानसिक प्रसन्नता बनी रहेगी, क्या करें, थोड़ा सा अपनों के साथ, अफसरों के साथ और सामाजिक लोगों के साथ मेलजोल बढ़ाइए, सामाजिक व्यवस्था बनी रहनी चाहिए, इससे आपको अच्छा लगेगा, क्या ना करें, स्वास्थ्य की प्रति लापरवाही ना करें, नमन। और बात करते हैं सिंह राशि, सिंह राशि वालों, गोचर की बात कर रहा हूं, गोचर यह संकेत दे रहा है कि साहस और पराक्रम बढ़ेगा, कानूनी मामले में आप विजय प्राप्त होगी, आर्थिक विनिवेश सफल होगा, प्रचुर मात्रा में धन लाभ होगा, अनुजों और सहकर्मियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और यात्रा बड़ी सफल रहेगी, क्या करें, विचार भी कार्यों को आज पूरा करने के लिए समय बढ़ा, जो भी आवश्यक कार्य है, जो भी आपने सोचा है आज पूरा करें, क्या ना करें,
यदि कार्य साझेदारी में है तो मन मुटाव ना करें। नमन और बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि लोग गोचर की बात करो, गोचर ये कह रहा है कि जल्दबाजी से बचो, संयम से काम करो, अपनों को साथ लेके काम करो। और जिस तरह के घर योगायोग है, यदि आप संयम से काम किया, जल्दबाजी से बचे और अपनों को साथ लेके काम करो करेंगे तो सारे दिन किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आर्थिक पक्ष भी ठीक रहेगा और लेन देन भी मसले भी ठीक रहेगा। हाँ, दो बातें पर ध्यान, एक स्वास्थ्य की, संतान के स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज़्यादा सजग रहना, और दूसरा यात्रा पे खर्चा नहीं बढ़े और शेयर लॉटरी में धन ना लगे, इस बात पर ध्यान देना। बाकी गोचर ठीक है। क्या करें, कार्य संबंधी यात्रा कोई आप करना चाहते हैं तो गोचर ये संकेत दे रहा है कि आप यात्रा कर सकते हैं। क्या ना करें, माता पिता की आज्ञा का अवहेलना ना करें। नमन नारायण। करक सिंह कन्या की बात करी, तुला वृश्चिक धनु की बात करूं, उससे पहले वास्तु सलाह आज का सुझाव। साथियों, वास्तु सलाह में संकेत ये है कि मकान की सीढ़ियां मुख्य द्वार के एकदम पास कभी नहीं रखे, ना जीना घर के मध्य में होना चाहिए। घर में घुसते समय सीढ़ियां एकदम ऊपर जाते हुए दिखाई दे तो ये अनुकूल माना नहीं गया, ऐसा वास्तुशास्त्र कहता है मेरे दोस्तों, जरा देख लेना। और बात करते आज के सुझाव की। आज शनिवार का दिन है, यदि किसी ने भी आपको देवादिदेव शनिदेव की साढ़े साथी मां दशा ढैया को लेकर डराए, कंटक शनि को लेकर डराए, तो सभी लोग 12 के 12 राशि के लोग जीवन में सुख शांति पाने के लिए नित्य कर्म से स्नान उपरांत पीपल के पेड़ के नीचे जल अर्पित करने के बाद चौमुखा सरसों का तेल का दीपक जलाए। ओम नमो भगवते शनिश्चराय सूर्य पुत्राय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करते 108 परिक्रमा करें, घर घर घी का दीपक जलाए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप करें, खुशियों की बरसात होगी। नमो नारायण। और बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों गोचर की बात करो, कहीं भयभीत होने की जरूरत नहीं, और गोचर ये संकेत दे रहा है तुला राशि वालों कि भाग्य आपकी पक्ष में करवट नहीं ले रहा है और समय अनुकूलता का संकेत नहीं दे रहा है। इष्ट मित्रों एवं भाई बंधुओं से नाराजगी संभव है। आपके उतावलेपन, आपकी जिद से धन और मान हानि की संभावना है। कारोबार की स्थिति में गिरावट और बाधा उत्पन्न होगी। व्यावसायिक पार्टनर से मतभेद की प्रबल संभावना नजर आ रही है। क्या करें, किसी से किए वादे पूरे करें, क्या ना करें, अनावश्यक पूंजी निवेश और खरीदारी में समय बर्बाद ना करें। नमो नारायण। और बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों समय अनुकूल, कारोबार में धन लाभ की प्राप्ति के अवसर मिलेंगे आपको और प्रसन्नता बढ़ेगी। पारिवारिक कार्य संपन्न होंगे, कार्य क्षेत्र में आपका वर्चस्व बढ़ेगा, धन लाभ होगा, क्योंकि गोचर आपके पक्ष में कर लेने से स्वास्थ्य ठीक नजर आ रहा है और नौकरी में है तो उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। यदि एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का कार्य है तो आज मोटा लाभ की प्रबल संभावना है। क्या करें, स्वजनों से थोड़ा सा मेल जोल बढ़ाएं। क्या ना करें, बहुत ज़रूरी है अपनों को इग्नोर नहीं करें। नमो नारायण। और बात करते हैं धनराशि। धनराशि गोचर अनुकूल है, ठीक है, बस थोड़ा सा मध्यम है, और मध्यम गोचर में ताते पाव पसारी और जाते लंबी शोर, अपनी सीमाओं से बाहर नहीं जाना चाहिए, और कार्य क्षेत्र में विशेष प्रयास की आवश्यकता है। आर्थिक स्थिति मध्यम रहेगी, किसी सभा और गोष्ठी में जाने का अवसर मिलेगा, कला और कौशल के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा, धार्मिक यात्राएं सफल रहेगी। क्या करें, खान पान और दैनिक दिनचर्या को नियमित रखें। क्या ना करें, कोई भी कार्य अपनों की सलाह के बगैर ना करें। न मना रहे। तुला वृश्चिक धनु की बात करें, मकर कुंभ मीन की बात करें, उससे पहले उपाय और अद्भुत देसी नुस्खे। यदि लाख कोशिशों के बावजूद भी परेशानियों से मुक्ति नहीं मिल रही, विडंबनाएं दूर नहीं हो रही, किम करते विमुंड की अवस्था समाप्त नहीं हो रही है, भंवर जाल से बाहर नहीं आ रहे, या फिर धन नहीं रुक रहा है, शनिवार के दिन राहु काल के दौरान एक पीपल के पेड़ का अखंडित पत्ता तोड़ के लाई, जलगंगा जल से पवित्र करें, पुनः जल से उसे पवित्र करें, दही हल्दी केसर कुमकुम को घोलकर अपनी दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली पत्ते पर एक त्रिकोण बनाई और त्रिकोण के भीतर में शाम लिख दीजिए, श्रद्धापूर्वक पंचोपचार पूजन करिए, धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत अर्पित करिए, सरसों के तेल का दीपक जलाइए,
शनि कृपा प्राप्ति मंत्र ओम ऐं ह्रीं श्रीं शनि देवाय नमो नमः, ओम ऐं ह्रीं श्रीं शनि देवाय नमो नमः, इस मंत्र की सात माला जाप। तत्पश्चात पत्ते को काले कपड़े में लपेट कर तिजोरी में रख दे, धूप धूप दिखाए। अगले शनिवार पाते पहले वाला पता दक्षिणा के साथ किसी गरीब कन्या को दे और नया पता उसी प्रकार पूजा करके रख दीजिए, सारे कष्ट मिटेंगे। नमो नमः। और बात करते हैं अद्भुत देसी नुस्खा। यदि मत्स्य है काली मिर्च और फिटकरी समान मात्रा में बारीक पीस ले, थोड़ा सा पाउडर लेकर पानी में पेस्ट बना दे और रूई पर मत्स्यों पर नित्यदिन तीन बार ऐसा करने से मत्स्य जल जाएंगे, बहुत सुंदर उपाय है। और बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि समय अनुकूल सितारों का शुभ संकेत, धन मार्ग प्रशस्त होगा, इच्छाओं की पूर्ति होगी, कार्य क्षेत्र में मनोअनुकूल कार्य बनेगा और सामाजिक कार्य से सम्मान की प्राप्ति होगी, पारिवारिक जीवन सहयोगपूर्ण रहेगा और मातृ पक्ष से सुसमाचार और प्रसन्नता प्राप्त होगी। क्या करें, नए व्यवसाय प्रस्ताव का लाभ लें, क्या न करें, जीवन साथी की उपेक्षा न करें। नमन। और बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों गोचर की बात करो और सितारे अनुकूलता का संकेत नहीं दे रहे, थोड़ी सी सावधानी अपेक्षित है। परिवार में विवाद और उलझने पैदा होगी, सोचे विचारे कार्य पूर्ण नहीं होंगे, आर्थिक व्यवस्था गड़बड़ हो सकती है और बाधा आ सकती है। सुबह से लेकर गोचर थोड़ा सा सावधानी का है, कारोबार में परिवार में स्वास्थ्य में थोड़ी सावधानी, छोटा सा उपाय, आज किसी गरीब को घर बुलाकर भोजन कराएगा, कष्ट कम आएगा। क्या करें, मान सम्मान का ख्याल रखें, क्या न करें, बेवजह चतुराई न दिखाई न मना रहे। और बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि लोग गोचर ये संकेत दे रहा है कि महत्वपूर्ण कार्य को निपटाने का अवसर मिलेगा, निर्द्वंद होकर आप कामकाज का विस्तार कर सकते हैं, पारिवारिक और सामाजिक संतुलन बना रहेगा और धार्मिक कार्य संपन्न होंगे। क्या करें, कार्य सफलता के लिए थोड़ा सा समझौता करें, क्या ना करें, जीवन साथी से मतभेद ना करें, न मना रहे। ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल जो ग्रहों पर आधारित था। पुनः मेरा निवेदन, सेकंड ओपिनियन अधिकार आपके पास था, आपके पास है और आपके पास रहेगा। छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद देवाधिदेव शनिदेव को कैसे मनाएं, पूजा और मंत्र जीवन में तो दर्शनों के लिए दाती धाम ले चलूंगा। नमो नारायण। नमो नारायण। संपूर्ण राष्ट्र को शनि मोक्ष महोत्सव की हार्दिक शुभकामना। 18 नवंबर 2017 शनि मोक्ष महोत्सव श्री शनि धाम शनि तीर्थ क्षेत्र 16 फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत। करी शनि भगवान के दर्शन पूजन तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा मिलेगा। दिल्ली और NCR के लोगों से मेरा निवेदन, श्री शनि धाम शनि तीर्थ 16 फतेहपुर आने के लिए छतरपुर मेट्रो स्टेशन से निःशुल्क बस सेवा है, और ये बस सेवा KR मंगलम ग्रुप जो एजुकेशन का ग्रुप है KR मंगलम, उन लोगों की, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेट्रो का प्रयोग करें। छतरपुर मेट्रो से आपको निःशुल्क बस की सुविधा मिलेगी, शनि धाम आने और वापस जाने। मन में विश्वास है कि जो भी बुराइयां हैं वो निकल जाएं और शनि जी का आशीर्वाद लेने आए अपने बच्चे के लिए। और हम आगे ग्यागा कोट के चल गए थे, सब शनि भगवान की कृपा से दूर गए। जब जब परेशानी आती है तो हम दाती महागा से मिलते गए थे, उनसे मिलकर हमें काफ़ी सहानुभूति मिलती है, काफ़ी प्यार मिलता है। शक्तिपीठ मंदिर है ये, और शनि भगवान की साक्षात ऐसा हमें ऐसी फीलिंग होती है कि इसी मंदिर में वो हैं, और बाबा से तो जब जब मुलाकात होती है बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि साक्षात शनि भगवान का रूप इस मंदिर में है, बाबा के रूप में। मंदिर में आकर के अनुभव यह है कि मुझे सब कुछ मिला है, सब कुछ मिला है मुझे, जो भी मैंने मांगा है, बस थोड़ा बस इंतज़ार करना पड़ा है और सब मिला है। कुछ भी ऐसे ये नहीं है कि मैंने कुछ मांगा हो और वो मिला ना हो, सब कुछ मिला है। अच्छा लगता है, मुझे बहुत सुकून मिलता है यहाँ पे। जी हाँ, मैंने यहाँ के चमत्कार के बारे में पहले भी सुन रखा है, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी मनोकामना जरूर पूरी होगी। बहुत अच्छा लगता है, और शनिदेव में मेरी बहुत आस्था है, यहाँ कर मैं उन्हीं के लिए आकर तेल वगैरह चढ़ाती हूँ। जीवन में इतनी सारी खुशियाँ मिल रही हैं शनिदेव धाम में आके, पहले बहुत परेशान हुआ करता था, आज के टाइम में मेरे जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आ रही हैं। उम्मीद है, आशा जो जागी है वो यहीं से जागी है, शनिदेव से ही जगी है, इसलिए मैं इनके चरणों में लगा हूँ और शायद लगा रहूँगा जब तक जीवन रहेगा। बहुत ही शांति फील होती है, और भी ज़िंदगी में बहुत अच्छा मतलब परिवर्तन आ रहा है, और भगवान के नज़दीक पहुंच जाते हैं और शांति मिलती है, सुकून मिलता है, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। जी हाँ, मैंने जो तसल्ली मिलती है और मेरे दिल को जो संतुष्टि मिलती है, और मैं अपने काम पे पूरा साधक और 100% पूरा क्लियर होता हूँ। उनके पास जो भी आता है यहाँ, मनोकामना लगभग सबकी पूरी होती है यहाँ पे, और ये
इतना अच्छी जगह है, यहाँ पे इतनी शांति मिलती है और बहुत अच्छा सुखद का महसूस हो। हमारी तो आज तक सारी मन्नतें पूरी हुई हैं, जब जब हम यहाँ पर आए हैं हमें आगे किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं हुई। नमो नारायण। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। किसी ने भी आपको देवाधिदेव शनिदेव की साढ़े साथी माँ दशा और ढैया से डराया या प्रयासों के बावजूद दाम्पत्य सुख की प्राप्ति नहीं हो रही, पति पत्नी वैचारिक मतभेद है और तलाक तक बात पहुंच गई, आज शनिवार का दिन है। आज के दिन नित्य कर्म ने स्नान उपरांत तांबे के लोटे में जल ले लो, उसमें 7 चुटकी काले तिल, 7 नीले फूल, 7 लौंग, 7 उड़द के दाने, शुद्ध आसन में बैठकर पात्र को अपने सामने रख दीजिए। भगवान शनिदेव का ध्यान करते हुए श्रद्धापूर्वक पंचोपचार पूजन करें, धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत अर्पित करें, सरसों का तेल का दीपक जलाएं, ओम प्राम प्रीम प्रम शनिश्चराय नमः इस मंत्र की 5 माला जाप करें, 11 शनिवार करिएगा, सारे कष्ट मिट जाएंगे। नमन ने बात करें आज के जीवन मंत्र की। लोगों ने मुझसे कहा, दाती महाराज सफलता कैसे आती? मेरे साथियों, सफलता हमेशा अच्छे विचारों और सकारात्मक परिश्रम से आती है। अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से आते हैं और मुझे भी कई बार गर्व होता है कि मैं राष्ट्र के उन लोगों के साथ हूँ जो वास्तव में बहुत ही सुंदर और बहुत ही सद्विचारों वाले लोग हैं। तो अच्छे विचार वाले लोगों के संपर्क में रहिएगा, सफलता दामन चूमेगी। समय ब्रेक का, ब्रेक के बाद प्रभु के दर्शनों के लिए दाती धाम में चलूंगा। नमो नारायण। नमो नारायण। संपूर्ण राष्ट्र को शनि मौसा महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। 18 नवंबर 2017 शनि मौसा महोत्सव श्री शनि धाम शनि तीर्थ क्षेत्र 16 फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत। करी शनि भगवान के दर्शन पूजन तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा मिलेगा। दिल्ली और NCR के लोगों से मेरा निवेदन है, श्री शनि धाम शनि तीर्थ 16 फतेहपुर आने के लिए छतरपुर मेट्रो स्टेशन से निःशुल्क बस सेवा है और ये बस सेवा KR मंगलम ग्रुप, जो एजुकेशन का ग्रुप है KR मंगलम, उन लोगों की बस। इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग मेट्रो का प्रयोग करें, छतरपुर मेट्रो से आपको निःशुल्क बस की सुविधा मिलेगी, शनि धाम आने और वापस। नमो नारायण। ब्रेक के बाद आपका स्वागत और ये समय है प्रभु के दर्शनों का, दर्शनों के लिए चलते हैं दाती धाम। नमो नारायण। इतना अनुभव है कि अगर बताना शुरू करूं तो सालों निकल जाएं, तो जहां भी कोई प्रॉब्लम आती है आने से पहले ही सॉल्व हो जाती है। ये हम मंदिर इसलिए नहीं आते कि मंदिर जाना है, बट इट हैज़ बिकम द रूटीन ऑफ आवर लाइफ। क्यों मैं यहाँ, मतलब शनि महाराज की इस धाम पे कृपा है, विशेष कृपा है। हाँ, हम हमारी मन्नतें पूरी होती हैं और जो जो मन में इच्छा होती है वो सारी पूरी होती है। मंदिर में आना बहुत अच्छा लगता है, मैंने आत्मिक जो है वो मैंने पूरा ये हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इनके ऊपर काफ़ी आस्था, काफ़ी विश्वास है
और आगे भी विश्वास बना रहेगा, इनका काफ़ी कृपा है। वैसे मैं अपने दिन प्रतिदिन की पूजा में शनिदेव की आराधना करता हूँ, स्मरण करता हूँ, मंत्र जाप करता हूँ, लेकिन आज जो अनुभूति हुई वो अलौकिक अतुलनीय अनुभूति। बहुत अच्छा लगता है, आनंद आता है यहाँ पे आने के बाद, दिल को रिलैक्स मिलता है और सुख और चैन मिलता है यहाँ। मैं तो सबको कहूँगा कि एक बार सबको यहाँ आना चाहिए, एक बार दाती महाराज के भी दर्शन करने चाहिए सबको। मैंने सपने में देखा था शनि महाराज को और मैं यहाँ आई, मुझे शनि महाराज के दर्शन हुए और साथ में सामने दाती महाराज के भी दर्शन हुए और मेरे को बहुत बहुत अच्छा लगा। जिस उद्देश्य से आई थी वो पूर्ण हो गया मेरा। मैं शनि धाम से पिछले 8 साल जुड़ा हुआ हूँ और शनि अमावस्या की इस दिन में आने पर बहुत ही खुशी मिलती है। यहाँ आने के बाद मन को इतनी शांति मिलती है कि बात ही मत पूछो, क्योंकि बाबा के सानिध्य में, शनिधाम के सानिध्य में आने से मन प्रफुल्लित हो जाता है, सारे दुख दर्द हम भूल जाते हैं। मैं एक्चुअली किसी भी गुरु वगैरह को नहीं मानती थी, पर मेरे जैसे हस्बैंड में विपिन गोयल, वो यहाँ से 15 साल से जुड़े हुए हैं और मैं कभी भी नहीं आती थी, पर मैंने मतलब 1 साल के अंदर आना शुरू किया और इतना इनमें चेंजेस देखे, इतना बदलाव देखा कि मतलब बता नहीं सकती। और मुझे खुद ये लगा कि मैं भी यहाँ से जुड़ूं और मतलब उसके बाद मैंने लगातार मैं आ रही हूँ और मेरी लाइफ में इतने चेंजेस हो रहे हैं, मतलब आपको बता नहीं सकती, क्योंकि बाबा इतनी कृपा करते हैं कि मतलब जिसके ऊपर हाथ रख दें तो मतलब उसके ऊपर कृपा बरसती है भगवान की। नमो नारायण। आप सभी ने प्रभु दर्शन किया, प्रभु आपका कल्याण करे और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। शनि भगवान की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। गुरु मंत्र में आज इतना ही, कल पुनः गुरु मंत्र में। जन्मदिन की शुभकामनाएं, जन्मदिन का उपाय, रविवार का राशिफल, भगवान सूर्यदेव कैसे मनाए, पूजा और मंत्र, जीवन मंत्र, सुझाव देसी नुस्खे, उपाय और वास्तु सलाह लेकर आऊँ। लेकिन आज अपनी गलती, अपने गुनाह और अपनी भूल की माफी मांगते हुए अपनी वाणी में विश्राम दे रहा हूँ। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण।